यार मतलब सलार हमारी फैमिली में तो अरेंज मैरिजेस होती हैं, लेकिन 4 दिन के नोटिस पे कौन एंगेजमेंट करता है भाई? अरे मंगनी तो ये भी नहीं होनी ब्रो, लेकिन मंगनी से भागकर कहाँ जाओगे? प्लान नॉर्दर्न एरियाज। तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम पहले भी इसी बात से भागकर तुम लंदन गए थे ना? अब मेरा मतलब है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो मामला तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम वापस आए और फिर भी अरेंज मंगनी हुई तो मेरी बात सुनो, 2 हफ्ते बाद मुझे कनाडा के लिए निकलना, इसलिए नॉर्दर्न एरियाज बेस्ट ऑप्शन है, और फिर उसके बाद कनाडा। वाओ, हैव फन, हैव अ सेफ ट्रिप। व्हाट डू यू मीन हैव फन, हैव अ सेफ ट्रिप? तू मेरे साथ चल रहा है, अपना बैग पैक कर। सरार, सीरियसली आई विश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ ब्रो। क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे भाई की शादी है और मैं तुम्हें ये कार्ड देने ही आ रहा था, और तुमने अब खुद की फरार होने की रिपोर्ट दे दी मुझे। अच्छा क्या कर सकते हैं यार, अगर फिर भी तेरा चलने का प्लान है तो शॉपिंग कर लेते हैं यार। यार मैं जरूर चलता, अब मेरे सगे भाई की शादी है सारा। ठीक है, सोच लो, तुम्हारा लॉस। 1 मिनट, अब एक काम हो सकता है, क्या? यही कि तुम मेरे साथ मेरे भाई की शादी पर हैदराबाद चलो और हम वहां से आगे आर यू सीरियस? अब शादी अटेंड करके हम लोग इस्लामाबाद निकल जाएंगे। सिंपल, नहीं यार, मुश्किल लग रहा है मुझे। मर्जी है मेरे भाई, सोच लो, फरार तो तुम्हें होना है। आप पहाड़ों पर जाओ, हैदराबाद जाओ, बात एक ही है। क्या हो गया, कोई बात बुरी लग अबे गई? यार, जुनैद की कॉल आ रही है, पहले ये मसला तो हल करूं, मिलता हूं बाद में। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत मजे में। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, तुम कितनी डिप्रेस थी ना? अरे वो तो सुबह थी ना यार। अच्छा तो ये आधे दिन में ऐसा क्या हो गया जो मैडम चहक रही हैं? आधा दिन क्या होता है, मेरे खुश होने के लिए ना एक लम्हा भी काफी होता है सना। तुम्हें अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? पता है सना, तारी अम्मी ने मेरी अम्मी की पुरानी साड़ियां निकाल कर मुझे दी हैं। अब मेरे पास शादी में जाने के लिए ना बहुत सारे कपड़े हो गए, बारात में अलग, मेहंदी में अलग, वलीमे में अलग। मगर तुम तो शादी में जा नहीं रही थी। हाँ वो तो फुप्पो के घर नहीं जाऊंगी ना, तुम्हारा भाई तो है ना, उसकी शादी में तो आऊंगी ना भाई, तो तब पहन लूंगी। और जो ताई अम्मी ने कहा वो सब? अरे छोड़ो ना, उस लम्हे के बारे में क्या बात करना, जो चला गया और जो आएगा उसके बारे में क्या सोचना। तुम्हें पता है आज ताई अम्मी ने मेरी अम्मी की साड़ियां देके मुझे वो खुशी दी है कि मैं उन पर अपना कत्ल भी माफ कर दूं। अरे वाह, इसे कहते हैं जब किस्मत किसी गरीब को खुश करना चाहे ना, तो पहले उसका गधा खो जाता है और फिर वापस मिल जाता है। तुमने मुझे गधा कहा है? नहीं, साड़ियों को, जो थी तो तुम्हारी ही अम्मी की, बस ताई ने तुम्हें वापस करके तुमसे सारे खून माफ करा लिए। तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो ना, बंद करो फोन, अल्लाह हाफिज। Excuse me, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Okay, जैसे कि आपको पता है, आज मेरे मॉम एंड डैड ने दो फैमिलीज यहाँ पर बुलाई हैं, जहाँ पर वो मेरी एंगेजमेंट के लिए सोच रहे हैं। Thank you. It's okay. Today, both my parents are here. My dad on this side, my mother on this side. आप चाहते हैं कि साहिबा से मेरी मंगनी हो? और आप चाहती हैं कि नताशा से? देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, मगर मैं फिलहाल शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पर बिलीव नहीं करती, तो मैं कैसे शादी कर सकता? सो मेरी तरफ से इन दोनों प्रपोजल्स के लिए साफ इनकार।
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड डैड 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 क्या कर रहे हैं आप? टाइम ही दस है। स्टॉप इट। सलार बेटा, सलार, सलार, सलार। सलार, सभा इस वक्त मुझे बात नहीं करनी। सलार मेरी बात तो सुनो। सभा, I said don't। सलार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सभा मुझे कुछ नहीं सुनना। सलार तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? सभा मैं कह रहा हूँ ना, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है यार, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? डैड आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेटे आप घर जाएं, अभी कल बात करेंगे इसके ऊपर। डैड, सलार घर छोड़कर जा रहा है। बेटा वो जाने के लिए आया था। आप बात करें, आप उसे रोक सकते हैं। मेरा दिमाग मत खराब करो। रोक सकते हैं। डैड वो 6 महीने के लिए चला जाएगा। नहीं जाएगा, उसके पास ऑफर है। 2 हफ्ते बाद की है, अभी नहीं जा सकता। लेकिन डैड वो सामान पैक कर रहा है। अभी करने दो जो वो कर रहा है, मुझे सोचने दो। आई एम थिंकिंग कि मैं लोगों को फेस किस तरह करूंगा। आपको लोगों की परवाह? मेरा बेटा 2 हफ्ते कहाँ रहेगा? वो जहाँ भी जाएगा 1-2 दिन में कूल डाउन होकर वापस आ जाएगा। दैट्स इट। क्यों जुनैद, आ जाएगा ना? जी। आप उसे जाने के बाद बुलाएंगे, अब भी रोक लेना। जब वो वापस आएगा तो एंगेजमेंट के लिए राजी होगा। क्यों, होगा, होगा ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करोगे जुनैद, वो राजी होगा। लेकिन डैड वो ये जो मैस क्रिएट किया है ना, उसने सिर्फ उसके एंगेजमेंट से साफ होगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, निताशा को तो मैं संभाल लेती, लेकिन उसको साहिबा मिर्जा को सबके सामने पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। आप दोनों ने उसके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा था? जुनैद इसको घर छुड़वा दो, ये थक गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं थकी हूं। ठीक है, ऊपर जाकर रेस्ट करो। जुनैद को तो सलार के साथ जाना जाना है ना? ठीक है, ओके डैड।